रिसेंटली आने वाले कई सारी फिल्मों का बड़ी अपडेट अनाउंस हुई है और जहां पर डोंकी से शुरू करके देवारा का अपडेट भी शामिल है। दोस्तों लिस्ट पर और कौन कौन सी फिल्म है चलिए जानते हैं एक इंट्रो के बाद। हाई नन्ना का गाना, जहां पर यह है नचेष्टा नानी और मृणाल ठाकुर की नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट और फिल्म का थर्ड सिंगल अम्मादी रिलीज की जाएगा 4 नवंबर, जहां पर नानी और मृणाल के बीच में एक डिलाइटफुल केमिस्ट्री देखने को मिलेगा। नंबर 9, चिया 62 अपडेट, जहां पर चिया विक्रम का नेक्स्ट फिल्म आ रहा है थंगलन और इसके बाद उन्होंने लॉन्च करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट फिल्म डायरेक्टर अरुण कुमार के साथ। पता दोस्तों इससे पहले अरुण ने रिसेंटली चीता फिल्म को किया है डायरेक्ट और जिसको ऑडियंस क्रिटिक्स की तरफ से मिला है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और ऑलरेडी चिया 62 का टीजर वीडियो रिवील्ड की गई है, जहां पर विक्रम का रहा काफी फेयरलेस और डेयरिंग एफ्टर। नंबर 8, सालार पार्ट 1 का अपडेट, जहां पर यह है रविस्टर प्रभास का मोस्ट हाइप अपकमिंग फिल्म और जो होगा मोस्ट वायलेंट फिल्म एवर, जहां पर रिसेंटली मेकर्स ने रिवील्ड किया है कि जहां पर 750 डिफरेंट व्हीकल यूज की जाएगा, जीप, टैंक, ट्रक और साथ में इसे व्हीकल के साथ जुड़ा कर हेवी हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस यूज की जाएगा, यानी कि सालार होगा बिगेस्ट वॉर सीक्वेंस वाला फिल्म। नंबर 7, पिप्पा अपडेट, जहां पर यह है ईशान खत्तर का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट और इसमें ईशान के साथ है मृणाल ठाकुर और इसकी स्टोरी एक वॉर एक्शन पर बेस्ड होगा, जहां पर यह फिल्म थिएटर नहीं बल्कि डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर इसी साल 10 नवंबर होगा रिलीज। नंबर 6, राउड हीरो विजय देवराकोंडा का नेक्स्ट, जहां पर विजय ने अपनी नेक्स्ट फिल्म लॉन्च करने वाले हैं डायरेक्टर थारुण वस्कर के साथ और इससे पहले विजय और थारुण ने मिलकर ब्लॉकबस्टर फिल्म पीली चुपुलू दिया है और जो विजय के करियर में अर्जुन रेड्डी से पहले फर्स्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म रहा और माना जा रही है कि ये फिल्म एक रोम कॉम फिल्म होगा। नंबर 5, थलाइवर 170 का अपडेट, जहां पर ये है थलाइवर रजनी का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसको डेट कर रहा है नान अदर देन लोकेश कनगराज ने और रिसेंटली लोकेश ने रिवील्ड किया है कि उन्होंने रजनी का स्टाइल और स्वाग काफी पसंद करते हैं और इसी फिल्म पे उन्होंने रजनी का एक विलेनियस साइड को करने वाले है रिवील्ड। और जहां पर डायरेक्टर लोकेश ने इसी स्क्रिप्ट को लिखा था 2016 में और 2023 पे जाकर इसी स्क्रिप्ट को की गई है फाइनलाइज्ड। नंबर 4, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन का अपडेट, जहां पर यह है नीथिन का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट जहां पर फिल्म का एक नया टीजर की गई है रिवील्ड और जहां पर इसी टीजर पे नीथिन का रहा एक्शन ग्लिम्स और जहां पर उन्होंने इसमें एक जूनियर आर्टिस्ट का रोल प्ले किया है और नीथिन का इसी फिल्म को इसी साल 8 दिसंबर की जाएगा रिलीज। नंबर 3, दीवारा का अपडेट, जहां पर यह है यंग टाइगर जूनियर एंटर का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट और दीवारा पे लीड एक्ट्रेस के रोल पे है जानवी कपूर, जहां पर रिसेंटली उनकी फर्स्ट लुक पोस्टर की गई है रिवील्ड और इसमें जानवी ने थंगम की रोल प्ले कर रही है और इसे हाफ साड़ी में उनकी लुक रहा काफी रॉ। नंबर 2, एल2 एम्पुरान का अपडेट, जहां पर यह है मालालम का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट और फिल्म का डायरेक्शन पे है पृथ्वीराज, रिसेंटली उन्होंने फिल्म का फर्स्ट शेड्यूल के बारे में अपडेट दिया है। बता दोस्तों जहां पर कॉम्पिट एक्टर मोहनलाल का इस अपकमिंग फिल्म का शूटिंग अभी लादाख पे चल रहा है। नंबर 1, डोंकी ड्रॉप 1 का अपडेट, हैप्पी बर्थडे बादशाह शाहरुख खान, और जहां पर बर्थडे के मौके पर डोंकी का मेकर्स ने टीजर नहीं बल्कि ड्रॉप 1 को किया है रिवील्ड, जहां पर इसी टीजर पे रहा रियलिटी, कॉमेडी और इमोशन और इसी टीजर पे बादशाह सर के तब से विकी सभी का डिफरेंट टू शेड होगा और डोंकी ड्रॉप 1 अभी सोशल मीडिया पे है वायरल, जब ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से इसी टीजर को मिला है पॉजिटिव रिस्पॉन्स और माना जा रही है कि बिगेस्ट मास्टरपीस फिल्म इज कमिंग जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं बल्कि लोगों का दिल भी जीत लेगा। दोस्तों डोंकी ड्रॉप 1 आपको कैसा लगा कॉमेंट पे बताइए। दोस्तों ये रहा कुछ नए फिल्मों का बड़े अपडेट के बारे में। ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और इसके बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।